हमारी गाइड है और हमें यहाँ पे मिले बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की है इन्होंने। कार के डोर स्टेप पे गम बूट से लेकर जैकेट्स तक सब कुछ प्रोवाइड किए हैं और साथ में चाइल्ड केयर के लिए इन्होंने एक हेल्पर भी हमें प्रोवाइड करा के दिया। आप यहाँ पे आ रहे हो तो इनसे जरूर से कॉन्टेक्ट करना, ये अपना कॉन्टेक्ट नंबर और नाम बता देंगे, बता दीजिए ना। मेरा नाम इश्फाक है, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7889767846। मैं सोनमर्ग में हूँ, यहाँ पे गाइडेंस करता हूँ और तो ये गाड़ी भी देता हूँ, स्लेज वगैरह स्केटिंग वगैरह करवाता हूँ, बिल्कुल डिस्काउंट। ये अच्छे डिस्काउंट में हमने करवा के दिए हैं। आपको भी इधर आना है तो आप इनका नंबर नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन पे भी दे देती हूँ और आप इनसे कॉन्टेक्ट करके आ सकते हैं। थैंक यू मैम। सोनमार्ग हम एग्जैक्टली 1 बजे रीच हुए थे और अभी बज रहे हैं 3:15 और हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बट बीच में रेनिंग स्टार्ट हो गई थी तो थोड़ा बहुत इरिटेशन हो गई, और जितना भी हम लोग इन्जॉय किए बहुत एडवेंचरस भी था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और हमारे बेबी के लिए हमने चाइल्ड केयर टेकर ले लिए थे तो हमें और ज़्यादा फ्री होके इन्जॉय करने का मौका मिल गया। केला चिप्स को इन्जॉय करते हुए, चॉकलेट्स इन्जॉय करते हुए जा रहे हैं। सोनमार्ग से रिटर्न जाते हुए भी आप देख सकते हो यहाँ के रास्ते कितने खूबसूरत लग रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का और इतनी ज़्यादा ठंडी और इतने प्यारे व्यू में हम लोग इन्जॉय करते हुए जा रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा मेमोरेबल एक्सपीरियंस है सोनमार्ग का। गाड़ी रोक के इस ठंडी में गर्मा गर्म स्नैक्स लाने गए हैं। मिर्ची दो, मिर्ची आलू ये सब मिक्स भजिया बन रहा है। फ्रेंच फ्राइज ये भजिया और गर्मा गर्म स्नैक्स सारे के सारे बिल्कुल टेस्टलेस लग रहे हैं, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। ये रोड लगा है तो ये आप देख सकते हो कश्मीर के ऑटो रिक्शा टाइप के होते हैं, एकदम दुबले पतले नाजुक। कौन प्लाजा किधर रहता वो? ये हमारा होटल है यहाँ का, आज रात हम श्रीनगर में इस होटल में रुकने वाले हैं क्योंकि हमारी ये होटल बुक थी। चलिए अंदर चलते हैं। अभी 6:30 बज रहे हैं और हम सोनमार्ग एक्सप्लोर करते हुए इधर आ गए हैं अपने होटल। आज रात हम श्रीनगर में इस होटल में ठहरेंगे और होटल के बाहर जो आपने ड्रेसेस देखे हैं वो इसी होटल की शोरूम है, रात में खुलेगी। और ये रहा होटल का रेस्टोरेंट, रात में यहाँ पे हमारा खाना बुक्ड है तो अभी सीधे रूम में जाके फ्रेश हो जाएंगे, 1-2 घंटे रेस्ट करके नीचे उतरेंगे डिनर के लिए। कर्टेंस का डिज़ाइन अच्छा लगाना है। Thank you.
नहीं है ये तो बहुत पहले का है हाँ। कि भाई तू निकालता तू निकाल ठीक है वो एक नंबर मुझे एक नंबर से आया था मैसेज ठीक है तो बंदा आपने दिया इंश्योरेंस कैसे डिनर करने के लिए नीचे उतर गए ठंडा हो गया होगा ना तो खास नहीं मैं खा गाइस अभी बज रहे रात के 10 और सबको बहुत जोरों की भूख लगी है आराम करते हुए टाइम का पता नहीं चला गुड मॉर्निंग गाइस आज है 19th ऑफ अप्रैल फ्राइडे जुम्मा मुबारक आप सबको और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और हमारे बच्चे घोड़े बेच के सो रहे हैं तो इनको एक एक करके जगाना पड़ेगा और फ्रेश होने के लिए भेजना है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने छोटे बेटे उमर के लिए लैक्टोजिन पाउडर में गर्म पानी ऐड करके रखी हूँ अभी इसमें और थोड़ा गर्म पानी ऐड करके सबसे पहले छोटे बेबी को दे देती हूँ अभी सबके सब जग गए हैं तो फटाफट से हम यहाँ पे पैकेट वाला टोंड मिल्क यूज़ करते हुए ज़बरदस्त सी गाढ़ी कॉफ़ी रेडी कर रहे हैं ठंडी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कॉफ़ी पिए बिना जाके जल्दी फ्रेश होके नहीं आएंगे 200 ml के इस तरह के 20 पैकेट्स लेके रख लिए थे कप में मिल्क ऐड करने के बाद हम यहाँ पे नेस्कैफे की प्री मिक्स कॉफ़ी पाउडर लाए थे इसको जस्ट अच्छे से मिक्स कर लेना है ठंडे दूध में ही पहले मिक्स होने के बाद फटाफट से इसमें बॉइल्ड वाटर ऐड कर देंगे और जल्दी से पी लेंगे ये रही हमारी ज़बरदस्त सी कॉफ़ी जो आपने शायद ही कभी इतनी टेस्टी पी होगी तो यहाँ पे हमने निकाल लिए हमारे आज के आउटफिट्स ये देखिए यहाँ पे इतने सारे मैंने इयररिंग्स निकाल के रखे हैं जो भी इस पे मैचेबल होंगे वो पहनेंगे तो ब्लैक पे ये वाले मैं सोच रही थी ब्लैक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं बाकी सारे हटा दूंगी और ये बड़े वाले झुमके और बैंगल्स तो बहुत ज़्यादा हैवी लगेंगे ये तो मुझे लाना ही नहीं चाहिए था और रहे मेरी बेटी के लिए वो अपनी चॉइस से सिलेक्ट करके ले लेगी नाश्ता भी करना बाकी है तो फटाफट से रेडी हो जाते हैं आज का नाश्ता हम रूम में ही बना रहे हैं तो आप देख सकते हो किस तरह से हमने नो फ्लेम मैगी बना के रेडी की थी पहले की वीडियोस में भी आपके साथ शेयर किया हुआ है आज एक और बार दिखा देते हैं कि किस तरह से केटल की हेल्प से 2 मिनट्स में मैगी रेडी होती है आज मेरी बेटी और मैं दोनों ट्रेनिंग कर रहे हैं सेम कलर की ड्रेस पहन के तो चलिए चलते हैं जल्दी से नीचे अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं अभी निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से श्रीनगर के साइट सीइंग के लिए अभी बज रहे हैं ठीक 11 सुबह के और हम निकले हैं सबसे पहले ट्यूलिप गार्डन एक्सप्लोर करने के लिए और बारिश चालू है बूंदाबांदी देखते हैं अभी हमें वहाँ एंट्री मिलती है ओपन है या नहीं हमें कुछ नहीं पता वहाँ जाके देखेंगे तो अभी हम आ गए हैं डल लेक के पास इसका रास्ता कितना खूबसूरत लग रहा है अभी
थोड़ी ठंडी है तो गाड़ी में हीटर ऑन है, इसलिए ठीक से दिख नहीं रहा है विंडोज में से। बैक साइड था, हम लोग जब जाएंगे तो आपके साथ कंप्लीट डल लेक एक्सप्लोर करेंगे। अभी फिलहाल निकलते हैं, ट्यूलिप गार्डन के लिए जा रहे हैं। और ये रास्ते कितने खूबसूरत हैं, देख सकते हैं आप सामने, आप देख सकते हो सामने शिकारे भी नजर आ रहे हैं। तो ये बैक साइड का होगा एरिया, आएंगे तो पूरा कंप्लीट एक्सप्लोर करेंगे। डल लेक के अपोजिट का लेफ्ट लिए हम लोग, कट आगे जाके लेफ्ट लेंगे तो सामने ट्यूलिप गार्डन है, ये वाले व्यू से जाएंगे। तो हम पहुंच गए अभी ट्यूलिप गार्डन, बता रहा टाइम हो रहा है अभी एग्जैक्टली 9 मिनट्स, तो हम अपने होटल से 9 मिनट्स में यहाँ पे रीच हो गए हैं। तो हम पहुंच गए हैं अभी ट्यूलिप गार्डन के अंदर, आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल व्यू है और बारिश भी थोड़ी कम है। तो चलिए अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं आपके साथ ट्यूलिप गार्डन, श्रीनगर का फेमस